नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, दुनिया के पांच अजीबोगरीब झूलों की इस लिस्ट में पहले नंबर पर थंडरबर्ड रोलर कोस्टर आता है। यह झूला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे पहला रोलर कोस्टर माना जाता है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा विंग रोलर कोस्टर है। यह रोलर कोस्टर हवा में 140 फीट ऊंचे सर्कल में बना हुआ है और इसके चलने की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, दुनिया के पांच अजीबोगरीब झूलों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फार्मूला रोसा आता है। यह रोलर कोस्टर फेरारी वर्ल्ड अबू धाबी में स्थित है। यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला रोलर कोस्टर है। यह 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। यह 62 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार केवल 2 सेकंड में पूरी कर लेता है। दोस्तों, दुनिया के पांच अजीबोगरीब झूलों की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर ग्रीफॉन रोलर कोस्टर आता है। यह रोलर कोस्टर यूनाइटेड स्टेट्स के वर्जीनिया में स्थित है। यह 205 फीट ऊंचा है। यह रोलर कोस्टर 71 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इसमें 90 डिग्री के कोण पर बैठे हुए लोगों को सीधा जमीन की तरफ धकेल दिया जाता है, जो काफी खतरनाक होता है। दोस्तों, दुनिया के पांच अजीबोगरीब झूलों की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर स्लिंग शॉट रोलर कोस्टर ओहियो USA आता है। यह झूला एक गुलेल की तरह काम करता है। इसमें राइडर को बैठाकर पूरी स्पीड से थ्रो किया जाता है। हालांकि राइडर को केबल के जरिए बांध दिया जाता है। जब उन्हें थ्रो किया जाता है तो यह पूरी स्पीड से ऊपर और नीचे होता है। इसकी स्पीड लगभग 65 मील प्रति घंटा है। दोस्तों, दुनिया के पांच अजीबोगरीब झूलों की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर ग्रेविटी मैक्स ताइवान आता है। यह एक अलग तरह का रोलर कोस्टर राइड है। इसमें राइडर को पहले ऊंचाई पर ले जाया जाता है और फिर 90 डिग्री पर मूव होकर फ्री छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, इसी तरह की नई नई जानकारी और नए नए रोचक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।